हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरे सभी बच्चों को गुड इवनिंग। जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन में बता दो। सभी को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर? अगर दोनों चीज है बच्चों तो जल्दी से यस लिख दो। ठीक है तो बेटा, जैसे सभी बच्चों को पता है आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज आपने जैसे मुझे कहा था लास्ट क्लास में कि मैम बहुवा चैप्टर जो आपकी बुक का सेकंड चैप्टर है ना, ये करा दीजिएगा। तो मैं आज आपको बहुवा जो चैप्टर है वो कराऊंगी। ठीक है, कोशिश ये करेंगे बेटा कि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें अच्छे तरीके से समझा पाऊँ, इजिली समझाऊ पाऊँ, और हम फिर एक्सरसाइज पे भी मूव करेंगे। ठीक है, यस, कॉपी पेंसिल बेटा लेके बैठने ना, क्योंकि सब जो मैं लिखूंगी सब तो आप याद नहीं रख पाओगे, तो कॉपी में लिखते जाइएगा। ठीक है, ओके, सो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चे बात करते हैं कि बहुपद होता क्या है। अच्छा, हम जो यहाँ पर बहुपद पढ़ रहे हैं ना बच्चों, हम जो पढ़ेंगे हम पढ़ रहे हैं बहुपद एक एक चर वाला, बहुपद एक चर में। अच्छा, चर क्या होता है मैं ये बता दूं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात कर रही हूँ मैं इंग्लिश में बोलूँ तो। ठीक है, जैसे मैं बात कर रही हूँ बेटा चर क्या होता है तो, और अचर, दो वर्ड पढ़ेंगे। चर का मतलब होता है वेरिएबल और अचर का मतलब होता है बच्चे कॉन्स्टेंट। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है हम पहले ये देख लेते हैं। देखो, चर का मतलब होता है जिसे आप देखते हो ना, कोई भी एक्सप्रेशन या व्यंजक के अंदर एक्स वाई जेड ए बी टी जो भी अल्फाबेट्स होते हैं हमारे, उन्हें हम कहते हैं चर वेरिएबल। जैसे मैं लिखूं ए एक्स वाई जेड होता है ना, बी सी डी टी है ना, ये हमारे क्या होते हैं, चर होते हैं। और कांस्टेंट कैसे, मतलब पांच छह जो नंबर होते हैं है ना, इन्हें हम बोलते हैं अचर। ठीक है, अब मैं एक चर वाले की बोल रही हूँ क्योंकि हम जो एक्सप्रेशन देखेंगे ना बच्चों, वो या तो जो हमारे एक्सप्रेशन या इक्वेशन या व्यंजक जो होंगे वो उसमें या एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक ही चर होना चाहिए, या तो ए ए हो या बी बी हो या सी सी हो या एक्स एक्स हो या ए ए वाई वाई हो, मतलब जो भी हो एक ही होना चाहिए, एक मतलब एक ही वेरिएबल होना चाहिए, वो कितनी बार भी आ जाए लेकिन एक ही होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेटा बहुपद होता क्या है। अच्छा, मेरे को एक बार चैट सेक्शन में बता दो कितने बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है, क्योंकि मेरे एक दो बच्चे बोल रहे हैं स्क्रीन नहीं दिख रही है। जल्दी से चैट सेक्शन में लिखो जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही है। बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे फिर, बाकियों को तो दिख रही है मतलब, फिर बच्ची एक बार लीव करके ज्वाइन करना, अगर दिक्कत आए तो फिर मुझे बताओ। हाँ, बाकियों को मुझे पता दिख रही, आपको नहीं दिख रही, एक बार तो मैं फिर भी एक बार एक मिनट के लिए स्क्रीन जाएगी बच्चों, एक दो बच्चों को नहीं दिख रही है। अगर आप इसके बाद मैं दोबारा शेयर करूं फिर भी नहीं दिखते ना बेटा, तो आप लीव करके ज्वाइन करना। ठीक है, मैम अभी भी नहीं दिख रही, अभी भी नहीं दिख रही है बेटा, फिर आप लीव करके ज्वाइन करो। और देखो किसी के आपने पिन तो नहीं कर रखा किसी की आईडी को। ठीक है, सो बेटा सबसे पहली बात कि आप देखिए कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या है। ठीक है, बीजीय व्यंजक होते क्या है जिन्हें हम इंग्लिश में एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास कितने भी सारे वेरिएबल हो, ठीक है, कितने भी सारे नंबर हो, कितने भी चर हो है ना, कितने भी उसमें कितने भी सारे चर हो, कितनी भी कोई भी पावर हो, जैसे मैं लिख रही हूँ 2x की पावर 1 प्लस माइनस प्लस वाई जेड प्लस 5 जेड की घात माइनस 1/2, या मैं लिख रही हूँ 2x² + x की घात 5 + 5। ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ मैं 3y - 1 + y घात 5 + 25। ठीक है, मतलब कहने का क्या है, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं जिसमें कितने भी सारे आपके वेरिएबल चर हो सकते हैं, कुछ भी पावर हो सकती है और कितने भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। अब बात कर लेते हैं बच्चे बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो बेटा बहुपद भी आपका बीजीय व्यंजक ही होते हैं। ठीक है, मतलब बहुपद भी आपका एक तरह का बीजीय व्यंजक ही है, बट एक विशेष तरह का होता है। ठीक है, एक विशेष तरह के बहुपद, एक विशेष तरह के बीजीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। विशेष तरह के बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। तो अब आपके माइंड में आएगा मैम फिर वो विशेष तरीका क्या है, तो बेटा देखो कभी भी आपके पास
जो भी बहुपद होगा, ठीक है, मैं मान लो लिख रही हूँ 2x की घात 5 प्लस 3x का 2 प्लस 5, ठीक है। एक तो वो बहुपद की जो घात होगी, बहुपद की जो घात होगी बच्चे, ध्यान से देखिए, कभी हमेशा क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। अगर वो पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं है। तो बहुपद की घात हमेशा क्या होगी बेटा, पूर्ण संख्या, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होगी, ठीक है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, बहुपद की घात क्या है, ठीक है। मतलब अगर बहुपद की घात माइनस, अगर किसी व्यंजक की घात माइनस में नजर आ रही है तो आप क्या कहोगे, मैम वो बहुपद नहीं है। बहुपद की कंडीशन ही क्या है कि वहां पर क्या होनी चाहिए, बहुपद की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी वो बहुपद है, वरना वो सिर्फ बीजीय व्यंजक है, ठीक है। तो बहुपद है क्या बेटा, बहुपद एक तरह का बीजीय व्यंजक ही होता है, पर एक विशेष तरह का होता है, जहां पर आपके पास क्या चलता है, आपके पास चलता है कि अचर होगा, एक चर होगा गुना में, और उसकी जो पावर होगी वो पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है किसका, बहुपद का, ठीक है। इंग्लिश में बेटा मैं लिख देती हूँ इसको, बेटा पढ़ाओ नहीं क्या, मैं पहले पढ़ना समझना नहीं है क्या, चलिए इतना मुझे बताइए, क्या इतना समझ आ रहा है कि क्या कौन से बहुपद होते हैं और कौन से बहुपद नहीं होते। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप मुझे आंसर बता दोगे क्या, आप मुझे बता पाओगे अगर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो। चलो फिर आंसर दो फिर मुझे सभी बच्चे। मान लो मेरे पास बहु, आप मुझे बको बताना है कि जो मैं लिख रही हूँ व्यंजक वो बहुपद है या नहीं, ठीक है। एक एक करके सबका आंसर दीजिएगा। मान लीजिए मैं पहला लिख रही हूँ आपके सामने ये, ठीक है, दूसरा लिख रही हूं मैं ये, थर्टी फाइव प्लस दो और माइनस एक प्लस पांच। चलो पहला वाला बताओ बहुपद है या नहीं, यस और नो में आंसर कर दो। मैम ये 3x की पावर -1.5 है। हाँ, -1.5 है, -1/2 है। हाँ चलो पहला वाला बताओ, क्या ये बहुपद है, यस और नो। बहुपद है या नहीं है बताओ जरा। मैंने आपको बताया बहुपद होने के लिए बहुपद की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। देखो इसमें क्या है, -1 आ रही है बेटा। देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ -1 है, तो -1 तो एक पूर्णांक है, पूर्ण संख्या तो नहीं है, है ना। तो ये आपका बहुपद नहीं होगा, ठीक है। ये बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को, तो आपको देखकर पता करना आना चाहिए कि कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। चलो अगला बताओ फिर, अगला बता दो सभी बच्चे। 3x की घात -1/2 जमा 2x की घात 35 जमा 2 जमा 5, बताओ ये बहुपद है या नहीं, यस और नो, यस और नो बेटा। बेटा डाउट आए तो मुझे बता देना। हाँ बताओ ये बहुपद है या नहीं। बिल्कुल सही बेटा, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी घात देखो क्या, एक परिमेय संख्या है, है ना। तो ये भी एक बहुपद नहीं है, ये एक बीजीय व्यंजक ही है। चलो अगला बताओ, अगला बहुपद है क्या, अगला बताओ। 4x की घात 3 जमा x की घात 35 जमा 2, यस बिल्कुल सही। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही x की जो घात है वो हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है। चलो अगला बताओ, चौथा वाला, यस और नो, चौथा वाला बताओ मेरे सभी बच्चे। बिल्कुल सही, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर घात दिख रही है हमें -1/2। अच्छा तो क्या मेरे सभी बच्चों को ये चीज समझ आई है कि बहुपद और बीजीय व्यंजक, बहुपद और बीजीय व्यंजक में क्या डिफरेंस है। क्या मेरे सभी बच्चों को समझ आया है, यस और नो, यस और नो। बेटा प्लीज एक मिनट, एक चैट में लिखो। हाँ अब बोलो, बोलो सतीश की आईडी से। यस बेटा मैम आवाज,
आवाज नहीं आ रही है? धीरे धीरे आ रही है क्या? अटक मैम अटक अटक के आवाज आ रही है। अटक के आ रही है। अच्छा, कितने बच्चों को ऐसा आ रहा है अटक अटक के आवाज आ रही है? मेरे कितने बच्चों को ऐसा हो रहा है? अगर चैट में बताओगे किस किस बच्चे को, जिन जिनको हो रहा है ना वो यस यस लिख दो बस, बाकी कोई बच्चे मत लिखना, जिनको सही आ रही है वो मत लिखना। हाँ, एक सतीश की आईडी, एक तुषार की आईडी। बेटा आप दोनों को ही हो रही है, और किसी को भी हो रही है? बेटा बता दो एक बार, मैं फिर भी चेक कर लेती हूँ। मेरी साइड से मुझे लग नहीं रहा कोई इशू है, बट फिर भी ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बेटा लक्ष्य की आईडी से, बेटा आपको भी नहीं आ रही क्या? किरण की आईडी से, ठीक है मैं ऐसा करती हूँ, नो मैम, नहीं आ रही आपकी मैं ऐसा आवाज। करती हूँ, मैं ना थोड़ी देर अपना कैमरा बंद करती हूँ। अगर आपको नेटवर्क का ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा होगा तो क्या हो पता, मतलब नेटवर्क की वजह से मे भी दिक्कत हो सकती है, तो 5 मिनट में बंद करके देखती हूँ। अगर आपको फिर आवाज नहीं आ रही ना तो फिर भी मुझे ये बताना, ठीक ठीक है? चलो अभी बताना। चलो यस, तो बेटा मैंने जैसे आपको बताया बहुपद क्या होता है, ठीक है, बहुपद और विजय व्यंजक में फर्क क्या है। चलो इतना क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हम क्या देखेंगे बेटा, ठीक है, अभी हम क्या देखेंगे कि एक बहुपद की घात क्या होती है, ठीक है, बहुपद की घात जिसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, बहुपद की घात मतलब डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखो मान लो मैंने एक बहुपद लिखा, 4x^2 + x^3 + 3x^5, ठीक है। तो अब बेटा इस बहुपद की घात का मतलब क्या हुआ कि देखो x के जितने भी घाते हैं मैंने उनको देखा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। 2, 3 और 5 में से बड़ी कौन सी है बेटा? 5 बड़ी है ना, तो जो सबसे बड़ा घात होती है ना चर की, वो आपकी बहुपद की घात हो जाती है, ठीक है। चर की बड़ी घात बराबर है किसकी? बहुपद की घात। जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वो बहुपद की घात बन जाती है। तो मैं क्या कहूंगी, इस बहुपद की घात कितनी है बेटा? 5 है, ठीक है, बहुपद की घात कितनी है? 5 है। ये घात समझ आया है बच्चे? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल मेरे बच्चों को समझ आया सबको? यस नो? बेटा मैम, अभी भी कट रही है क्या? बेटा मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को ना नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। एक सेकेंड दो, मैं एक मिनट, एक सेकेंड दीजिएगा, ठीक है, मैं 1 मिनट दूंगा, दूसरा नेट का भी ज्वाइन करके देखती हूँ, तब भी अगर आता है तो मुझे बताइए। अब तो बेटा पता ही नहीं आ रही। 1 मिनट दो फिर मुझे, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो। 1 सेकेंड, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। यस, अब देखो अब मेरी आवाज सभी बच्चों को, अभी मेरी आवाज सभी बच्चों को क्लियर आ रही है क्या? यस अब आने लग गई मैम, क्या? चलो यस मैम, चलो देख लेते हैं अब, अगर अब सही आ रही है तो। यस मैम, यस चलो तो मैंने बोला बेटा किसी भी मैम, बहुपद की घात क्या होती है, जो उस बहुपद की जो जो चर हैं उनमें जो सबसे बड़ी घात होगी ना उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद की घात। क्या इतनी बात मेरी सभी बच्चों को समझ आई है बहुपद की घात क्या होती है? हाँ या नहीं? अगर आ गई है तो फिर मैं एक दो क्वेश्चन पूछूंगी। क्या मेरी सभी बच्चों को समझ आई? बेटा रटना नहीं है, समझना है। समझ आ गया है तो बताओ। चलो फिर मुझे जरा आंसर दो, आंसर दे दो। मान लो मेरे पास एक बहुपद दिख रही हूं मैं, 2x^3 और 5, ठीक है, इसकी आपको बताना है घात क्या होगी, इस बहुपद की घात क्या होगी, ठीक है बेटा। फिर लीव करके एक बार ज्वाइन कर लो। मैं मैक्सिमम दूसरा नेट ज्वाइन कर सकती थी, वो मैंने कर दिया, इससे आगे
नहीं कुछ कर पाऊंगी मैं, आप एक बार लीव करके ज्वाइन करो, ठीक है। दूसरा मैं लिख रही हूँ, हाँ हेलो जी बेटा बोलो। मैम, चलो अभी बता दो जरा इनकी कौन कौन सी घाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट की बताओ जरा चैट सेक्शन में, इसकी डिग्री यानी कि घात क्या होगी। चलो पहले वाले की घात क्या होगी। यस, आपने देखा एक्स की घात या दो है या तीन है, बड़ी कौन सी है, तीन। तो मैंने बोला तीन घात इसकी बड़ी हो गई। अगले वाले की बता दो घात कितनी बड़ी है, सेकंड वाले की। आपने देखा यहाँ एक्स की घात तीन है, यहाँ एक्स की घात 35 है, तो कितनी हो गई बेटा, 35 हो गई, बिल्कुल सही। अगला आपने देखा वाई की घात यहाँ 5 है या 3 है या 1 है, तो कितनी हुई बेटा, घात 5 हो गई, बिल्कुल सही। अगला वाला देखा टी है, टी की घात तो 1 ही है, तो घात कितनी हो गई, 1 हो गई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। तो हम ये से देखते हैं किसी भी बहुपद की घात। चलो अभी मुझे एक का और बता दो जरा, एक और बताओ, सभी बच्चे बताएंगे, एक और बता दो। मैंने यहाँ लिख रही हूँ 3x^5 + x^-1 + 2, पलो इसकी घात क्या होगी बता दो जरा। इसकी घात क्या होगी, क्या ये बहुपद है, पहले तो मुझे ये बताओ। सही बच्चे सबने एक लाइन में 5 5 5 5 5 5 लिख दिया बेटा, पहले ये तो देखो ये बहुपद है या नहीं, पॉलिनोमियल है भी या नहीं। नो हाँ नो मैम, हाँ नो मैम, आप पहले ये तो देखो, देखो इसकी घात, इसकी घात क्या है, -1 है। यस, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये बहुपद नहीं है, तो आप घात कैसे बता सकते हो, ठीक है। ये क्या है, बस एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, यानी कि बीजीय व्यंजक, ठीक है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं चैट में बेटा, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हुआ है सभी बच्चों को मेरे, तो अब हम आगे क्या देखेंगे, अब हम आगे देखेंगे बहुपद के प्रकार, ठीक है, बहुपद के प्रकार, ठीक है। ये किस बेस पे देख रहे हैं बेटा, ये हम घात के आधार पे देख रहे हैं, बहुपद के प्रकार घात के आधार पे देख रहे हैं, मतलब टाइप ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे देख रहे हैं बच्चे, ठीक है। देखो सबसे पहला हमारा होता है, सबसे पहला बेटा हमारा सबसे पहला बच्चा कौन सा आता है, रैखिक बहुपद, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। बच्चों लिखते जाना, आपको हेल्प करेगा, ठीक है। दूसरा होता है बच्चे हमारा द्विघात बहुपद या द्विघाती भी बोलते हैं बहुपद, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ओके। और तीसरा होता है बच्चे त्रिघाती या त्रिघात बहुपद, ठीक है, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके। अब देखो क्योंकि ये बेस पे घात के बेस पे है ना, तो मतलब घात को ही देख के हम बताएंगे। तो बच्चों देखो, जबी भी आपके पास, ठीक है, जबी भी आपके पास कैसा होगा, ऐसा कोई है 2x+1, इसकी घात कितनी है, देखो 2x+1 इसकी घात कितनी होगी, इसकी घात, इसकी डिग्री 1 है, तो ऐसे बहुपद जिनकी घात 1 होती है, वो रैखिक बहुपद होते हैं, ठीक है, हाँ। तो हमारी घात क्या है यहाँ पर, सिर्फ 1। तो ऐसे बहुपद जिनकी घात 1 होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसे बेटा अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ 2x² + 2x + 5, है ना, यस, अगर ऐसा बहुपद है तो देखा आपने इसकी घात कितनी है, इसकी घात है 2। तो ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2x³ +
टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा तीन है, घात सबसे बड़ी तीन है, तो ऐसा बहुपद जिनकी घात तीन होती है उन्हें हम त्रिघाती या क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या मेरी ये बात सभी बच्चों को समझ आई है? रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, बहुपद और त्रिघाती बहुपद, ठीक है। अगर मान लो बच्चों मेरे पास एक और है, पांच लिखा मैंने, ठीक है, ये किस टाइप का बहुपद होगा? ये किस टाइप का बहुपद होगा? मैं पांच लिख दू, चार लिख दू, तीन लिख, कोई भी नंबर लिख देती हूँ, मान लो रैखिक बहुपद। क्या? रैखिक बहुपद नहीं बेटा, रैखिक कैसे हो जाएगा? घात यहाँ पर x का है, x का तो है वन वन होना चाहिए ना, x का वन का है, इसे हम बोलते हैं बेटा अचर बहुपद, इंग्लिश में कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यों बोलते हैं? और इसकी घात होती है बेटा जीरो, ठीक है। कैसे कैसे मैम? या तो x है ही नहीं। आपने पढ़ा है कभी किसी की भी घात अगर हम जीरो लिखते हैं तो उसका मतलब वन होता है? मैं अगर पांच की घात, मान लीजिए मैं लिखती हूँ तीन की घात जीरो, इसका मतलब वन है। पच्चीस की घात जीरो वन होता है, एक्स की घात जीरो वन होता है ना। किसी की भी घात और पावर जीरो होते हैं उसका मतलब वन होता है। तो मैं ऐसा सोचते हैं हम माइंड में कि पांच के पीछे ना एक्स की घात जीरो है, मतलब उसका मतलब वन हो गया ना, गुना वन तो पांच ही मिलेगा, है ना। तो कोई भी नंबर है वो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, अचर होता है, और उसकी घात जीरो होती है, उसकी डिग्री जीरो होती है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल या अचर बहुपद की घात जीरो होगी। क्या ये बात समझ आई है? कैसे? यस और नो मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? नहीं, ठीक है, ठीक है, चलो फिर, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया, मान लो मैं एक और नंबर यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर नंबर लिखा 25। मैंने पूछा ये किस तरह का है? आप बोलोगे मैम अच्छा अचर बहुपद, अचर बहुपद या कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैंने पूछा कैसे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। मैंने पूछा कैसे है ये, तो आप क्या कहोगे? हमने मैम इसके पीछे ना अज्यूम करते हैं x की पावर जीरो है, क्योंकि x की पावर जीरो का मतलब वन हुआ, और 25 की गुना एक से करेंगे तो 25 ही मिलेगा, है ना, इसलिए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? इट्स अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को? मैम ओके, ठीक है, चलो फिर अब बढ़ लेते हैं हम आगे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं कहाँ पर? अभी हम देखेंगे क्या एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, 2.1 को देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यस, चलिए सर, सबसे पहला क्वेश्चन है 2.1 का, ठीक है। मैं थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ। कहता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर वाले बहुपद है और कौन कौन नहीं, ठीक है। मतलब कौन से एक चर वाले बहुपद है ये आपको बताना है, मतलब वन वेरिएबल में कौन से हैं आप लोगों को ये बताना है। चलो पहला बताओ मुझे जरा, 4x की घात 2 माइनस 3x जमा 7, क्या ये एक चर वाला है या नहीं? एक चर वाला है मैम। चार्ट में बिल्कुल सही बच्चों, ये एक चर में है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ एक्स ही एक्स है ना, एक ही तो वेरिएबल है, एक ही तो चर है, तो ये एक चर वाला है। चलो आप बता दो जरा इसकी घात क्या है चैट सेक्शन में और किस तरह का होगा। अच्छा देखो, अगर आप रैखिक लिखोगे ना तो एल लिख देना, रैखिक बहुपद, ठीक है। और अगर आप द्विघाती बता रहे हो तो डी लिखना, ठीक है, और त्रिघाती बता रहे हो ना तो आप एल टी लिख देना, इजी रहेगा आप लोगों को, ठीक है, टी लिख देना, ठीक है। यस, इसकी घात 2 है तो किस टाइप का होगा ये, किस टाइप का होगा ये?
डी, बिल्कुल सही, द्विघाती, बिल्कुल सही, द्विघाती है ये, डी है, बिल्कुल सही। चलो अगला ले लेते हैं, अगला ले लेते हैं बच्चे, अगला है मेरे पास, अगला है मेरे पास y स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू। ये किस तरह का होगा, क्या ये एक चर वाला है, दो चर? यस, एक चर वाला है ना, y है यहाँ पर, एक चर है, और इसकी घात कितनी है, घात दो है, घात दो है, बिल्कुल सही, तो द्विघाती ही हुआ ये भी। चलो अगला बताना जरा, तीसरा बताओ जरा, इसको बताओ सभी बच्चे, इस वाले को। मेरे पास है तीन वर्गमूल टी प्लस टी वर्गमूल दो, क्या होगा ये बताओ जरा। मैम ये लीनियर इक्वेशन है। नहीं, लीनियर भी कैसे हो गई, अंडर रूट के एज की पावर तो कुछ है ही नहीं। तो अंडर रूट की पावर, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, टी की पावर 1/2 ना, रैखिक, यस, वर्ग बाय टू होता है ना इसका मतलब, यस मैम। तो अब बताओ। नो मैम, ये तो पॉलीनोमियल नहीं, लीनियर, यस मैम। समझ आया बच्चों क्या कहना चाह रही हूँ मैं? चलो फिर एक और बता दो फिर, चलो एक लास्ट बताओ, ठीक है। मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ है आपका x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। चलो ये किस टाइप का बहुपद है, चलो मतलब इसमें चर कितने, एक चर वाला है क्या ये, एक चर वाला है क्या ये? नहीं, बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ x भी है, y भी है और t भी है, है ना, x भी है, y भी है, तीन तीन चर आ गए यहाँ तो, है ना, तीन चर आ गए यहाँ तो, राइट, बिल्कुल सही। चलो फिर बढ़ते हैं अब आगे, बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन कहता है बेटा, सेकंड क्वेश्चन है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x की घात 2 का गुणांक निकालिए। अच्छा पहले मैं बता देती हूँ गुणांक होता क्या है मेरे सभी बच्चों को। देखो गुणांक का मतलब क्या होता है बच्चों, मान लो मैं यहाँ पर एक बहुपद लिख रही हूँ, है ना, 2x की घात 2 जमा x प्लस 5, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा कि x की घात 2 का गुणांक क्या है, तो आप क्या बोलोगे, x के आगे वाला, x स्क्वायर के आगे वाला जो बेटा नंबर होता है ना, वो उसका गुणांक होता है। तो बोलोगे मैम x स्क्वायर का गुणांक 2 है। तो मैंने पूछा x का गुणांक कितना है, तो आप बोलोगे मैम x का गुणांक कितना है, x के आगे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 से गुणा होकर वही दे देगा ना, तो 1 है, ठीक है। समझ आया मेरी बात, गुणांक का मतलब मेरे सभी बच्चों को समझ आया ना चैट में बेटा, यस और नो? चलो फिर, चलो फिर बताओ जरा, क्वेश्चंस ले लेते हैं थोड़े से, है ना। चलो पहले वाले का मेरे सभी बच्चे बताएंगे, पहले वाले का गुणांक कितना आएगा, देखा आपने x स्क्वायर ये 1 होगा, बिल्कुल सही। दूसरा वाले का क्या होगा, चलो दूसरे का बताओ, 2 माइनस x की घात 2 प्लस x की घात 3 माइनस 1, बिल्कुल सही, ठीक है। थर्ड वाले का क्या होगा, आपने देखा इसके आगे क्या है, पाई बटा 2, बिल्कुल सही। चलो अगले वाले का बताओ, अंडर रूट 2x माइनस 1, आपको x स्क्वायर का गुणांक बताना है, क्या होगा जरा, ये इंटरेस्टिंग है, ये देखते हैं कितने बच्चे सही बताते हैं। सब इंटेलिजेंट है, जीरो, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर ही नहीं है, तो इसका गुणांक क्या होगा, जीरो होगा, बहुत बढ़िया। अच्छा x का गुणांक क्या है इस वाले क्वेश्चन में, x का गुणांक क्या होगा इस वाले क्वेश्चन में, x का गुणांक रूट टू बेटा, चैट में प्लीज, सबसे एक बच्चा बोलेगा तो फिर सभी बोलेंगे ना, क्लास नॉइसी हो जाएगी, एक चैट में लिख दो, हाँ अंडर रूट टू, बहुत बढ़िया। चलो फिर सभी बच्चों ने सही आंसर दिया, आगे बढ़ लेते हैं, है ना, आगे बढ़ लेते हैं। अभी लेते हैं चौथा क्वेश्चन, वो कहता है निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। चलो पहला वाला देखो और घात बताओ क्या होगी, डिग्री कितनी होगी इसकी, चैट में लिखना सभी बच्चे। आपने देखा x की घात 3 है, x की घात 2 है, x की घात 1 है, तो मतलब बड़ी 3 है तो 3 हो गई, 3 हुआ तो कौन सा हुआ, ये त्रिघाती हुआ, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ, है ना।
चलो अगला बताओ, 4 माइनस वाई स्क्वायर घात कितनी हुई? 2 हुई, बिल्कुल सही। अगला बताओ, 5t माइनस अंडर रूट 7 कितना होगा इसकी घात? 1। रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, यस। अगला बताओ फोर्थ, ये इंटरेस्टिंग है, 3 इसकी घात कितनी होगी? बहुत बढ़िया, कौन सा बहुपद होगा ये बेटा? दिस इज अ पॉलिनोमियल, व्हाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल? इट्स अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बहुपदी नहीं है। हाँ बेटा, इट्स अ कांस्टेंट, इट्स अ अचर बहुपद, बताया ना मैंने, नंबर है ये। इसके पीछे हम क्या अज्यूम करते हैं? 3x की घात 0, कोई भी नंबर हो वो कांस्टेंट बहुपद होता है, अचर बहुपद होता है, ठीक है? क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? इसमें किसी बच्चे को दिक्कत, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में। क्या बहुपद की घात निकालने में, बहुपद के प्रकार निकालने में, या देखकर पता लगाने में कि बहुपद है या नहीं, किसी बच्चे को दिक्कत? यस और नो, सबको समझ आया तो यस लिख दो, जिसको नहीं आया एन लिख दो, हम डिस्कस कर लेंगे। चलो फिर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ लेते हैं। चलो अभी हम क्या देखते हैं बेटा, बहुपद के शून्यांक यानी कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल भी जिसे हम कहते हैं। अच्छा चैट सेक्शन में मुझे जरूरी हैंड रेस कर देना, जीरोस ऑफ एन पॉलिनोमियल किस बच्चों, कितने बच्चों को पता क्या होता है? अगर एग्जांपल देके भी बता सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा बहुत भी पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बताओ जरा, हैंड रेस करो, देखते हैं कितने बच्चों को पता है। बेटा बारिश हो रही है तो उसमें अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं तो बस यही कर सकती हूँ अपनी साइड से कि बेस्ट से बेस्ट आपको। मैं आवाज नहीं आ रही बेटा, एक बार लीव करके ज्वाइन करो, एक बार नेटवर्क वाले, आप बोल रहे हो ना नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों की साइड से। चलो बहुत बच्चों के हैंड रेज हो रहे हैं, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बच्चों को पता है ना, बहुपद का शून्यांक या जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल भी हम कहते हैं। कट कट के आ रही है बेटा, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है ना, बोल रहे बारिश होके हटी है तो नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। मैम अभी भी नहीं दिख रही स्क्रीन, नहीं दिख रही क्या? यस मैम, एक मिनट बेटा, मैं एक सेकंड के लिए स्क्रीन रोक रही हूँ, एक बार दोबारा से। अच्छा मेरे बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेस किया है जिनको पता है, चलो मैं एक बच्चे का नाम लेती हूँ, फिर मुझे अभी वो ही एक बच्चा बता देना। अभी तो मौसम खराब है, यस बेटा उसी ले सी ले सी ले। चलो सतपाल की आईडी से जो बच्चा है बेटा, चलो बताओ बहुपद क्या होता है, बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं? जितना पता है उतना बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हेल्प कर दूंगी आगे। जल्दी, इतना टाइम नहीं है बच्चे, सतपाल दलाल की आईडी से बेटा। चलो मुझे दूसरा बच्चा बता दीजिए फिर, लक्षत परमार की आईडी से जो बच्चा है क्या होता है बेटा बता दो। मैम जो बहुपद का मान दिया जाता है वो उसको सोल्व करने के बाद आंसर 0 आता है तो वो बहुपद का शून्यक होता है। बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही बताया। देखो बच्चों, मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल, एक बहुपद है, मान लो मैं यहाँ लिख ली 2x + 4, ठीक है? अच्छा किसी भी पॉलिनोमियल को, बहुपद को हम पी ऑफ एक्स से लिखते हैं, बहुपद को लिखने का तरीका होता है पी ऑफ एक्स, ये बताता है बहुपद को, ठीक है, पॉलिनोमियल को। अगर मैं एक्स का ऐसी वैल्यू रख दूं, x का कोई मान रखूं, x का वैल्यू रखूं, x का मान रखूं कुछ भी, और जिससे वो बहुपद या पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं, उस x के मान को हम बोलते हैं कि उस बहुपद का वो शून्यांक है या उस बहुपद का वो जीरो, ठीक है? मतलब समझो, मान लो मैं x की वैल्यू 0 रख के देखती हूँ, ठीक है, मैंने x की जहां जहां x था वहां वहां 0 रख दिया, ठीक है, मैंने देखा x की 2 की गुना 0 से करेंगे 0 आएगा, +4, तो मुझे यहाँ से 4 मिल गया,
ठीक है, मतलब आंसर तो मेरा चार आया, तो यानी कि ये इसका बहु शून्यांक नहीं है। फिर मैंने बोला कि चलो मैं x की मान अगर माइनस दो रख के देखती हूँ, क्या वो इसका बहुपद है। मैंने जहां जहां x था और वहां पर बेटा क्या रख दिया, माइनस दो रख दिया। ठीक है, तो जैसे ही मैंने माइनस दो रखा, अच्छा यहाँ पर ना अब बात यह है बेटा, यहाँ पर अब आपका यूज होगा पूर्णांकों का जमा घटा गुना भाग, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। दो माइनस दो प्लस चार, तो मैंने दो की गुना जब माइनस दो से करती हूँ बेटा, कितना मिलता है, माइनस चार। ठीक है, प्लस चार, तो यहां से बेटा मुझे मिल गया जीरो। तो मैं क्या कहूंगी कि जो x का मान माइनस दो है वो क्या है, शून्यांक है। ठीक है, इस बहुपद का। ठीक है, कौन से बहुपद का, दो एक्स प्लस चार का। ठीक है, मतलब x का मान जो है हम बहुपद में रखते हैं, अगर वो जीरो आ जाता है तो वो उसका शून्यांक है, अदरवाइज नहीं है, सिर्फ वो उसका फिर हम मान निकाल के छोड़ देते हैं। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है बेटा? अगर रिवाइज हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है, और दोबारा से हो जाएगा और कुछ नया ही सीख के जाओगे। ठीक है, यस, इतना तो मैं शॉर्ट ही से कह सकती हूँ। क्वेश्चंस फिर भी आपने कर लिए होंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस है ना वो जरूर आपकी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलो इतना बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो में आंसर करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो फिर, बहुत बढ़िया। चलो फिर एक ले लेते हैं हम क्वेश्चन। अच्छा, वो कहता है, क्वेश्चन है हमारे पास, वो कहता है कि आपके पास है 5x² - 3x + 7। आप क्या करो, आप चेक करो कि वो कहता है इस वाले बहुपद पे ना आप चेक करो कि अगर मैं x का मान एक रखूं तो ये इसका शून्यांक है या नहीं। चलो बता दो जरा, सभी बच्चे चैट सेक्शन में करो, पहले कॉपी में कर लेना, फिर मुझे बताना कि अगर मैं x बराबर है इक्वल 1 रखती हूँ, x का मान 1 रखती हूँ, एक रखती हूँ, तो क्या वो इस बहुपद का शून्यांक होगा या नहीं। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा, अभी मैंने अभी दो बार तो शेयर करी, फिर भी नहीं दिख रही क्या? नहीं मैम। बेटा फिर अभी आप ऐसा कर लो, सुन लो, आपने देखा आपने किसी की स्क्रीन पिन तो नहीं कर रखी किसी और की? नो मैम। बेटा फिर वो नेटवर्क की वजह से ही हो रहा है। सुन लो मैं जो बोल रही हूँ, बाद में आप रिकॉर्डिंग देख लेना बच्चे। मैंने दो बार इसीलिए आपके लिए स्क्रीन को शेयर स्टॉप करके शेयर किया था, लेकिन फिर भी नहीं दिख रही, वो मेरे नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क उतना स्ट्रांग नहीं आ रहा है आपको ना। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो मेरे एक बच्चे ने लिखा है नहीं, कई बच्चे सब नहीं, ऑलमोस्ट नहीं लिख रहे हैं। चलो देख लेते हैं, मैंने पी का एक्स की जगह पर एक रख दिया, ठीक है, एक का स्क्वायर माइनस एक प्लस सात। अच्छा सच बच्चे, एक चीज सभी बच्चों को ध्यान रखनी है कि आप सॉल्व करते हुए ना पहले गुना नहीं कर सकते हो, आपको पहले घात सॉल्व करनी है। तो एक की घात दो का मतलब क्या है, एक का गुना एक से करा तो एक आ गया, तो पांच की गुना आपने एक से कर दी, माइनस तीन की गुना आपने एक से कर दी, प्लस सात। पांच एकम पांच माइनस तीन प्लस सात, पांच में से दो गए, तीन गए, दो आया, प्लस सात आ गया। कितना आया बेटा हमारे पास, यहां से नौ आ गया। ठीक है, यानी कि जीरो तो नहीं आया है, तो जीरो नहीं आया है मतलब क्या हुआ, ये इसका शून्यांक नहीं है। ठीक है, ये इसका शून्यांक नहीं है। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है, या अभी भी किसी बच्चे को डाउट है, पहले तो ये बता दो। चलो ठीक है, तो बेटा इसमें ना दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो वही सीधा सिंपल आपको ये बोल देगा कि आप क्या करो, आपको नंबर बता देगा, x का ये मान रखो और चेक करो कि इसका शून्यांक है या नहीं है। और दूसरा वो क्या कहता है कि आपको ना वो ये बोलेगा कि आपके पास ये बहुपद है px बराबर है 2x + 1, वो कहेगा इसका शून्यांक निकालो। अब एक तरीका तो ये है बेटा इसके शून्यांक निकालने का कि आप x के ना हर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर करके देखो, मतलब पहले x की वैल्यू जीरो रखो कि जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा, एक रखो, फिर दो रखो, फिर तीन रखो, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हम x का वो मान रखते हैं जिससे हमारा p of x जीरो हो जाता है, तो मैं क्या करूंगी इस p of x को बराबर में जीरो रख दूंगी, यानी कि 2x plus 1 के बराबर में जीरो रख दूंगी। ठीक है, अब देखो अगर कोई भी चीज लेफ्ट साइड से राइट साइड जाती है, अगर वो प्लस की है तो इस साइड जाके वो माइनस में बन जाती है, तो मुझे यहाँ से मिलेगा माइनस वन। ठीक है, यहाँ गुना में है तो नीचे जाके कितनी हो जाएगी बेटा, डिवाइड हो जाएगी, इधर गुना में है तो नीचे जाके भाग में हो जाएगी, तो क्या है x का मान माइनस एक बटा दो। तो बेटा x की ये वाली जो माइनस एक बटा दो है ना, ये इस बहुपद का शून्यांक होगी। देख लो कैसे, सब्स्टिट्यूट भी करके मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखो अगर मैं इस बहुपद के अंदर ये माइनस एक बटा दो रखती हूँ ना, देखो जीरो ही आएगा, चेक भी हो जाएगा कि आपने सही आंसर किया या नहीं। दो गुना माइनस एक बटा दो प्लस टू, तो दो से दो कट गया, माइनस एक प्लस एक कितना होता है जीरो होता है, देख लो जीरो आ गया, यानी कि एक्स बराबर माइनस एक बटा दो शून्यांक है इस बहुपद का, इस वाले बहुपद का। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो? सभी बच्चे मुझे बता देंगे, किसी बच्चे को डाउट इसमें? ठीक है चलो फिर, बहुत बढ़िया, अगर सबको समझ आए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक दो करते हैं हम अब क्वेश्चन। ठीक है, एक दो हम लेते हैं अभी क्वेश्चन। चलो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछती हूँ, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी बच्चे। वो कहता है क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ठीक है, इसका आपको पहले तो ये बताना है सभी बच्चों को कि इस वाले इस बहुपद का, पहला तो मुझे ये बताओ इस बहुपद की घात क्या है, किस प्रकार का बहुपद है ये। ठीक है, और उसके बाद x का मान जीरो रखो और दो रखो और बताओ इनमें से कौन सा इसका शून्यांक है। मैम क्वेश्चन दोबारा से बोलिए। x स्क्वायर x की घात दो माइनस दो x, ठीक है, ये है क्वेश्चन बेटा। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, ये तो बेटा बिल्कुल सही बता रहे हो कि इसकी घात है दो, बिल्कुल सही, और प्रकार है डी, डी लिखा है मतलब हमने दिखा था द्विघाती, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बिल्कुल सही। चलो अभी शून्यांक की बात कर लेते, दोनों सब्स्टिट्यूट करो, सभी बच्चे करेंगे, दोनों सब्स्टिट्यूट करो। पहले x का वैल्यू आप जीरो रख देना, है ना, p ऑफ x जीरो रखोगे तो जीरो का स्क्वायर माइनस टू इंटू में जीरो, तो जीरो माइनस जीरो जीरो आ गया, यानी कि आपका x बराबर जो जीरो है वो शून्यांक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब आपने क्या रखा, x का मान रखा दो, ठीक है, तो मैंने यहाँ दो रखा, तो दो का स्क्वायर माइनस दो गुना दो, तो यहाँ से मेरे पास चार माइनस चार आ गया, यहाँ से भी दो आ रहा है, तो मैं क्या कहूंगी x का मान जीरो रखने पर और दो रखने पर दोनों में ही यह शून्यांक है, यानी इसके दोनों ही शून्यांक है। क्या मेरी बात समझ आई है या किसी मेरे बच्चे को डाउट है अभी भी, बता दो जरा। मैं फिर से बताइए। ठीक है, देखो मेरे पास क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस टू एक्स, ठीक है, उसने बोला कि आप x की मान ना दो जीरो रखो और x का मान जीरो रखो और दो रख के बताओ कि ये दोनों में से कौन सा इसका शून्यांक है। ठीक है, तो मैंने रखा पहले जीरो, तो जीरो का स्क्वायर, सबसे पहले हम घात सॉल्व करते हैं, तो जीरो की घात दो का मतलब क्या हुआ, जीरो गुना में जीरो, तो मुझे जीरो ही मिलेगा, तो मैंने यहाँ जीरो लिख दिया। अब दो गुना में जीरो, जीरो की गुना दो से करेंगे तो भी जीरो ही आएगा, जीरो जीरो में से जीरो गया जीरो, तो यानी कि आंसर मैंने जब जीरो सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे आंसर भी जीरो ही मिल रहा है। तो जब भी हम कोई भी एक्स का मान पॉलिनोमियल बहुपद में रखते हैं और फिर भी हमें आंसर वही जीरो मिल जाता है तो हम कहते हैं वो उसका शून्यांक है, तो जीरो तो उसका शून्यांक हो गया, राइट। ऐसे ही हमने बेटा एक्स का मान दो रखा, दो रखा तो दो का स्क्वायर, दो का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, दो को दो बार गुना कर दो, दो दुनी चार, और इधर भी दो दुनी चार है, चार में चार गए जीरो आ गया, तो ये भी इसका शून्य अंक है। क्या अब मेरी बात बेटा समझ आई है?
यस मैम। ओके चलो अभी बढ़ लेते हैं हम एक क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा इंटरेस्टिंग का क्वेश्चन लेते हैं एक, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन क्या कहता है ना बच्चा, क्वेश्चन कहता है आपके पास बहुपद है 5x-4x2+3, ठीक है। आपको बताना है कि जब x का मान आप 2 रखोगे तो कितना आंसर आएगा। चलो बताओ, और बताओ ये इसका शून्यांक है या नहीं। मैम क्वेश्चन दोबारा से बताइए, शून्यांक है या नहीं अभी बता दीजिए बेटा। 5x-4x2+3, ठीक है ठीक है। 5x-4x2+3, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं, मेरे बहुत बच्चों के आंसर आने लगे हैं। मैंने ना जहां जहां एक्स है वहां वहां 2 पुट कर दिया, 2 लिख दिया है ना। तो 5x2+3, ठीक है। 5 की गुना 2 से करी, 4 की गुना जब हम की गुना 2 से नहीं करेंगे क्योंकि पहले यहाँ पर उसकी घात है, तो 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ बेटा 4, तो मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया प्लस 3, ठीक है। तो मैंने अब 5 की गुना जब 2 से की तो मुझे 10 मिलेगा, माइनस 4 की गुना 4 से करी तो 16+3, ठीक है। अब देखो यहाँ पूर्णांक यूज हो रहे हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो क्या होता है प्लस माइनस घटाव होता है। तो मैंने 16 में से 10 घटाए 6 आ गया, और प्लस का 16 बड़ा है माइनस का है तो -6 प्लस 3 लिख लिया। अब फिर से प्लस माइनस बेटा क्या होता है माइनस होता है, तो मैंने 6 में से 3 घटाया, बड़ा नंबर 6 है माइनस का है तो -3 आंसर आ गया। तो मैंने जब x का मान 2 रखा इस बहुपद में तो मुझे आंसर कितना मिला बेटा, आंसर आया -3। तो 0 तो नहीं आया, तो मैं क्या कहूंगी ये शून्यांक नहीं है। x बराबर 2 जो है वो 5x-4x2+3 का शून्यांक नहीं है। यस चलो फिर इसी वाले क्वेश्चन में आप सब्स्टिट्यूट यानी कि लिख बताओ मुझे, अगर मैं x का मान, ठीक है इसी वाले उसमें बताना है आपको, अगर मैं x का मान 1 रखती हूँ तो कितना आएगा, ठीक है। इसी वाले इसमें आपको x का मान 1 रखना है, ठीक है। मतलब p ऑफ x बराबर है 5x-4x2+3, आपको 1 रखना है। चलो 1 रख के क्या आंसर आएगा बता दो जरा। मैं 1 ब्रैकेट में रखना है। हाँ बेटा x की जगह पे ना 1 रखना है आपको, उसी पॉलीनोमियल okay, उसी बहुपद में। ओके मैम ठीक है ठीक है ठीक है। अलग अलग आंसर आ रहे हैं सबके, देखते हैं। ओके चलो देख लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। 5 की गुना मैंने 1 से करी, माइनस 4 की गुना 1 से करने से पहले 4 पे घात है, तो 4 की घात 2 का मतलब 1 ही आ जाएगा, 4 1 गुना 1 1 दे देगा, तो गुना 1+3, तो यहाँ से 5 मिला माइनस 4+3, तो मैंने 5 में से 4 घटाया 1 आएगा प्लस 3, तो मुझे यहाँ से कितना मिला बेटा 4 मिला, 6 नहीं आएगा 4 आएगा। जितने बच्चों ने 6 लिखा है देख लो 4 आएगा आंसर, काफी बच्चों ने 6 लिखा है, 6 कैसे आएगा भाई, क्या मेरी बात समझ आई है या डाउट है किसी को इसमें? कोई डाउट नहीं है मैम। बहुत बढ़िया बेटा, डाउट नहीं है तो, अगर मेरे किसी बच्चे को है तो बताइए।
कि कैसे चार आया, क्योंकि कई बच्चों ने ना छह लिखा था, गलती होगी बेटा। ध्यान रखो पूर्णांकों का जमा घटा गुना भाग के रूल्स को यू फॉलो करो, वो यहाँ पर बहुत यूज हो रहे, ठीक है? ओके चलो, बहुत मैम गलती हो गई। तो बेटा ये गलती पेपर में भी हो सकती है ना, इसलिए आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है? ओके मैम। चलो एक का मुझे ना बहुपद बताइए जरा, और एक का शून्यांक बताओ जरा। मैं एक क्वेश्चन और लिख रही हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन है बेटा, तीन पॉलिनोमियल है आपका, p ऑफ x बराबर है 3x-2, ठीक है? आपको क्या बताना है? शून्यांक बताना है। चलो बताओ जरा मैम, प्रीवियस क्वेश्चन एक बार रिपीट करना। कौन सा वाला? ये वाला। यस मैम। देखो मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, मैंने यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट करना था, मैंने जहां जहां x था उसकी जगह 1 लिख दिया, ठीक है? x 5 की जगह 1 लिखा, मतलब x की जगह 1 1 1। अब 5 का गुना 1 से किया 5 ही आएगा, ठीक है? अब 4 की गुना 1 से करेंगे 4 ही आएगा, ठीक है? प्लस में 3 था, अब 5 में से 4 गया 1 आएगा, बड़ा नंबर 5 है तो प्लस का ही साइन आएगा, और प्लस का 3 है तो दोनों तो प्लस ही होंगे ना बेटा। Yes, है ना? आप लोगों ने कहीं पे थोड़ा मिस्टेक किया जो 6 आया था। अच्छा चलो इसका बताओ जरा, इसका शून्यांक क्या होगा? यस, मेरे एक बच्चे का आ भी गया। शून्यांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस पूरे बहुपद को 0 के बराबर रख देते हैं, है ना? 0 के बराबर रख देते हैं, और ये इस साइड जाएगा माइनस का इस साइड, तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और यहाँ गुना का है तो उधर जाके बटे में चला जाएगा। तो x का मान कितना आ गया? 2/3। तो 2/3 इसका क्या हुआ? शून्यांक हुआ। चेक भी कर सकते हो, रख के देख लो, काट के 0 ही आएगा ना, काट के 0 ही आएगा। बहुत बढ़िया, बेस्ट बेस्ट, सभी बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही, ठीक है? ओके चलिए फिर बच्चे। अच्छा आप सभी बच्चे बता दो मुझे जल्दी से चैट सेक्शन में, क्या सबको सभी चीजें समझ आई है? किसी बच्चे को मेरे डाउट है जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दो, सबको समझ आया है? चलो फिर ओके। सो बेटा आज के लिए इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अभी ले लेते हैं डाउट्स एंड होमवर्क।